मध्य प्रदेश के भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में सोमवार देर रात आग लगी। चाइल्ड वार्ड में कुल मिलाकर 40 बच्चे भर्ती थे, 36 बच्चे सुरक्षित, 4 बच्चों की दर्दनाक मौत। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया सरकार की तरफ से प्रत्येक मृतक बच्चों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुंबई के एंटोप हिल इलाके में एक घर ढहा। जानकारी के मुताबिक इमारत साउथ सेंट्रल मुंबई में एंटोप हिल इलाके के जय महाराष्ट्र नगर में बनी थी। इस इमारत के गिरने के बाद 9 लोगों को बचाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया। मलबे में किसी और के फंसे होने की आशंका के मद्देनजर रेस्क्यू टीम खोजबीन में जुटी। दमकल की 4 गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद। छठ का पावन पर्व सोमवार को नहाए खाए के साथ शुरू हुआ। 4 दिन तक चलने वाले पर्व का आज दूसरा दिन, जिसे खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन का व्रत रखते हैं। शाम को व्रती महिलाएं मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं। गडकरी ने द सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन डेनमार्क की ओर से कराए एक वेबिनार में कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने की लागत पेट्रोल वाहनों की तुलना में बहुत कम है, इसलिए बहुत जल्द ही इन्हें बड़े स्तर पर अपनाया जाएगा, इससे इनकी कीमत में कमी भी आएगी। उन्होंने दावा किया 2 साल बाद पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक ही कीमत पर बिकनी शुरू हो जाएंगी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर का असर कम। देश में एक्टिव केस की संख्या में कमी दर्ज। नए केस में 10 से 20 हजार मामले आ रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 7,841 लोग पॉजिटिव, 9,749 मरीज रिकवर। इस दौरान 304 लोगों ने गंवाई जान। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 25,10,00,000। इस महामारी से अब तक कुल 48 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 7,28 अरब से ज्यादा लोग वैक्सीनेट। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने किए साझा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आज से 3 दिन की बैठक करने वाली है, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरी बार सत्ता में लाने पर मुहर लगाई जाएगी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 19वीं सेंट्रल कमेटी देश के 100 सालों के संघर्ष के दौरान प्रमुख उपलब्धियों और ऐतिहासिक अनुभवों के आधारित एक रिजोल्यूशन का रिव्यू करेगी और उम्मीद है कि उसे तुरंत पारित कर दिया जाएगा। चेन्नई समेत पूरे तमिलनाडु में भारी बारिश से हालात बिगड़े, सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी भर चुका। अब एक और परेशानी की खबर आई, मौसम विभाग ने कहा अगले 24 घंटे में एक चक्रवाती तूफान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पहुंच सकता है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बना कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। केंद्र और राज्य के करों में कटौती के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली। भारतीय तेल विपणन कंपनियों ने आज लगातार 5वें दिन राहत दी। बता दें इससे पहले सरकारी तेल कंपनियों ने 30 से 35 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से बेतहाशा कीमतें बढ़ाई थी, जिससे पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दाम ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचे हैं। शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार है। सुबह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 64 पॉइंट तेजी के साथ 60,609 पर खुला, हालांकि इस समय यह 50 अंक गिरावट के साथ 60,491 पर कर रहा कारोबार।